बहुत गलत हुआ हमारे साथ, और इस प्रकार से मुझे टारगेट के लिए इसलिए नहीं कह रहा हूँ, किसी को भी टारगेट नहीं करना चाहिए। आपको तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि रूल ऑफ लॉ लागू है, आपको तो कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करना होता है। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के सामने फर्जी मुकदमा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और ये बहुत बड़ी बात है, आप विधायक हैं मेरी जो और आपके भाषण के बाद ये हो गया, बहुत गलत हुआ ना मेरी स्पीच। आप किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट को दिखा दिया, किसी भी सुप्रीम या हाई कोर्ट में जिसने सालों के सालों तक क्रिमिनल केसेस देखे है या ट्रायल चलाई, ऐसे किसी भी जज को दिखाइए, उसका एक वर्ड भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल या प्रोवोकेटिव नहीं है, बावजूद उसके मेरे ऊपर मुकदमा, इसलिए कि मैं 2019 में भारे पड़ने वाला हूं, ऐसा खतरा है, इसलिए कि बौखला गए हैं। मैं कोट करूं स्पीच से, बिल्कुल आपने कहा है नई पेशवाई है और उसके खिलाफ संघर्ष करना है, ये पेशवाई जो है वो पंडितों की है नहीं, और उसके खिलाफ संघर्ष करना पेशवाई है वो गुजरात मॉडल के स्वरूप में। आप समझिए ये एल्यूड कर रहे थे कास्ट को, आप पेशवाई वहां पर महाराष्ट्र में कास्ट से जोड़ा जाता है, जाति निर्मूलन तो होना ही चाहिए, हम तो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, हम ये कहते हैं अस्पृश्यता खत्म हो, सामाजिक न्याय मिले, एनाइलेशन ऑफ कास्ट हो, और वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हो। जस्टिस पीबी सावंत जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, वो हमारी स्टेज पर फंक्शन जस्टिस कोलसे पाटिल थे, प्रकाश अम्बेडकर भी थे, अब उनको भी पूछ लीजिए, ये सारे वो लोग थे जो लोकतंत्र में मानते संविधान में मानते, हम भी लोकतंत्र और संविधान में मानते, बावजूद उसके इस प्रकार का गलत मुकदमा दर्ज करने का आपकी मंशा क्या है, उसे क्या अचीव करें, आपको क्या लगता है टारगेट करना चाहते हैं मुझे, इसलिए उनको खतरा है 2019 उन्होंने देखा है कि हार्दिक जिग्नेश और अल्पेश तीन लोगों ने मिलकर उनके 150 सीटों का घमंड तो उतार दिया गुजरात में, 99 पे आ गए, यही रफ्तार के साथ हम आगे बढ़ते रहे तो 19 में उनको भारे पड़ेंगे। आप दिल्ली में राहुल गांधी के भी संपर्क में हैं, यहाँ हैं, उनके लोगों से आप मिल रहे हैं और यहाँ से डायरेक्ट आपको किया जा रहा है, ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को नहीं मिल आए, हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, हमारी बात रखने के लिए आए, हम तो सिर्फ इतना कहने के लिए आए कि इस देश में जातु निर्मूलन हो, सोशल जस्टिस एंश्योर किया जाए, भीमा कोरेगांव या ऊना या सहारनपुर दलितों के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार ना हो, और बाबा साहब अंबेडकर का जो खुद को भक्त बताते टीवी उस नरेंद्र मोदी जी को ये पूछना चाहेंगे विनम्रता के साथ कि सर मनुस्मृति और संविधान आप क्या चूज करना चाहोगे, और ये पूछने के लिए 9 तारीख को पीसफुली रैली निकालेंगे और 4:30 बजे उनको मिलेंगे। महाराष्ट्र राज्य में थे, नाराजगी आंदोलन ये वहाँ की राज्य सरकार के, लेकिन आप बार बार नरेंद्र मोदी को बीच में लाते हैं, क्या आपको लगता है कि उनका नाम लेने से आपकी लोकप्रियता बढ़ती है? नहीं, वो खुद को अंबेडकर भक्त कहते हैं, तो जो प्रधानमंत्री जो खुद को अंबेडकर भक्त कहते हैं तो उनको मैं इतना तो पूछूंगा कि उमरा की विक्टिम्स को क्यों न्याय नहीं मिला, भीम आर्मी का हमारा साथी चंद्रशेखर रावणा जेल में क्यों है, भीमा कोरेगांव के दरिद्र के ऊपर हत्या हमला क्यों किया गया, क्यों ऊना जैसी वारदात होती है, ये तो हम पूछे ना। आप अंबेडकर भक्त कहते हो तो दलित समाज को प्रोटेक्ट करो, संविधान लागू करो, और केवल दलित समाज को नहीं सारे जाति और धर्म के सारे सिटीजन को प्रोटेक्ट करो, ये नहीं हो रहा है तब उनको मिलेंगे।